नमस्कार। तो मच अवेटेड तमिलनाडु ने अपना राउंड वन, जी हाँ, और क्योंकि वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं हिंदी में, दे कैन इमेजिन कि हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट कोटा सीट्स की। तमिलनाडु ने देखिए जी बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करा है। पहले जो गवर्नमेंट कोटा के बच्चे थे उनको खत्म करा है और अब जाके उन्होंने बुलाया है मैनेजमेंट कोटा के बच्चों को। हम जानते हैं कि तमिलनाडु में मैनेजमेंट कोटा की नॉर्मल फीस 12.5 लाख रुपए साल की होती है, और मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन कुछ वो बहुत ज्यादा उसको हमारा ड्रीम नहीं है वहां पर जाना। लेकिन कंफ्यूजन जो ये रहती है कि सीएम से वेल्लोर और उसके जो कुछ चुनिंदा सीटें हैं 12 के करीब, जो ये ऑल इंडिया कोटा के लिए अवेलेबल है, बेसिकली किसी भी बच्चे के लिए अवेलेबल है अक्रॉस इंडिया, उसका एडमिशन के लिए ये काम शुरू हो गया फाइनली। सो आप देखिए, जो लोग सीएम से वेल्लोर जो कि 50,000 रुपीज खाली फीस लेता है एंड बहुत शानदार कॉलेज है, इंडिया के टॉप 5 में आता है हमेशा, वर्ल्ड में उसका नाम चलता है, बहुत धांसू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। लेकिन देखिए समस्या यही होती है जो हर साल होती है कि जो बच्चे उस कॉलेज में सीट लेना चाहते हैं, चाहे आपके 640 भी मार्क्स हैं, आपको कितना बड़ा दिल रखना पड़ेगा कि अब जाके वो प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं और 1 मार्च को वो रिजल्ट निकालेंगे। जब तक कि आप सोचिए ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 भी खत्म हो चुका है, और हम जानते ही हैं कि राउंड 2 तो आपको सीएम से वेल्लोर की सीट मिली या नहीं मिली वो आप पता चलेगा। सो क्विकली मैं बता दूं, सीएम से वेल्लोर, चाहे सीएम से लुधियाना, ये दोनों बड़े शानदार प्राइवेट कॉलेजेस हैं। सीएम से मैंने शब्द बोलिए प्राइवेट, सीएम से वेल्लोर तमिलनाडु में है, सीएम से लुधियाना पंजाब में है, इसलिए एक कॉलेज पंजाब में आता है, एक कॉलेज तमिलनाडु में आता है। टेक्निकली दोनों स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इसे दोनों की जो काउंसलिंग होती है वो पंजाब स्टेट और तमिलनाडु स्टेट से होती है, जो कि फिलहाल ही हो रही है। और ऑफ कोर्स सीएम से लुधियाना की फीस तो 5 लाख रुपए साल है, तो बहुत ज्यादा वो नहीं है, पर सीएम से वेलूर की फीस भी 50,000 रुपए साल की ही है। सीएम से वेलूर अपना अलग से भी फॉर्म भरवाते हैं, जो उन्होंने शुरू से भरवा रखा था। बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ सीएम से वेलूर आपको अलग से करना पड़ता है, जो 3 महीने पहले हो चुका, तो जिसने वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था उसको भी सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। और ऑफ कोर्स तमिलनाडु का तो रजिस्ट्रेशन 3 महीने पहले हो चुका, अब तो जाके वो राउंड 1 की काउंसलिंग कर रहे हैं। सीएमसी बेलूर की भी जो 70 सीटें हैं, जो कि 70% सीटें जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी की हैं, उनका काम हो गया है। अब जो नॉन क्रिश्चियन माइनॉरिटी की सीट्स बची सीएमसी बेलूर में, उसके लिए जो फाइनली प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग जाएंगे और आज शाम को 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली जितने बच्चों ने तमिलनाडु का फॉर्म भरा था वो सब के सब जाके अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सिर्फ 1,000 रुपये ये लोग और मांग रहे हैं काउंसलिंग फीस के नाम पे, तो वो आपको ऑनलाइन पे करना है। इसके अलावा प्रोसेस बहुत सिंपल है, अपना चॉइस फिलिंग कीजिए, उसके बाद रिपोर्टिंग टू एलोकेटेड कॉलेज के लिए बहुत कम समय दिया गया है, तो वो मैं आपको बता दूंगा इफ नीडेड कि कैसे होना है क्या होना है। बाकी लिखा ही हुआ है कि 5 दिन का समय है 1 तारीख को रिजल्ट आने के बाद। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जो असली चीज है, अब देखिए याद नहीं रहता है, बहुत सेगमेंट में हम डील करते हैं, पर हम एमसीजी के अगर शेड्यूल की बात करें तो आई एम श्योर कि देखिए सीएम से बलूर का बच्चे, क्योंकि देखिए तमिलनाडु में ऑफकोर्स नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा सीट्स भी हैं। आई रियली डोंट नो कि आउटसाइड तमिलनाडु के कितने बच्चे होंगे जो अभी तक वेट कर रहे होंगे, मोस्टली वो सीटें तमिलनाडु के बच्चों को ही मिल जाती है बिकॉज ऑफ द डिले। लेकिन जो राउंड 2 है एमसीसी का, जिसका रिजल्ट अब आ जाएगा 26 तारीख को, और 5 तारीख तक आपको रिपोर्ट भी करना है, राइट? तो चलो 1 तारीख को आप देख सकते हैं कि सीएम से बेलूर में किसको सीट मिली, और ये वो बच्चे होंगे जो टॉपर्स हैं, राइट? क्योंकि तो वही बच्चे सीएम से बेलूर के लिए एलिजिबल रहते हैं, इसी कट ऑफ 620 625 के भी ऊपर ही रहते हैं, और बेसिकली सीएम से बेलूर में सीट उसी को मिलती है जिसको नॉर्मली भी सरकारी सीट मिल रही होती है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये मतलब कहने को प्राइवेट कॉलेज है, बस सीट उसी को मिलती है जिसको इंडिया की टॉप क्लास प्राइवेट सीट्स मिल रही हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।